डियर पेरेंट्स, माय नेम इज कल अमरदीप और ई काउंसलिंग जो है AISS 2023 के बारे में तीन छोटी छोटी बातें मैं और बताना चाहता हूँ। ये बातें वहाँ से निकली हैं जो हम YouTube पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, उस पर पेरेंट्स बहुत सारे कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें कि पेरेंट्स हमसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला एक ने डाला कि मैं हूँ तेलंगाना का रहने वाला, ये इस बार इसको ऑन कर ले। तो मैं किस स्टेट का हूँ? तेलंगाना। तो नया स्टेट बना है, उनका कोई अपना सैनिक स्कूल नहीं है, तो तेलंगाना वालों के लिए जो होम स्टेट है वो आंध्र प्रदेश ही है। तो आंध्र के जो दो स्कूल हैं दोनों में आप होम स्टेट कैंडिडेट गिने जाएंगे। इसी प्रकार से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है, इनके लिए जो सैनिक स्कूल है होम स्टेट का वो है नगरोटा। तो नगरोटा में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इसमें होम स्टेट में गिने जाएंगे। एक पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट लोगों का था कि सर मेरा बच्चा पाँचवीं में तो पास सर्टिफिकेट मांगते नहीं है, लेकिन जो नाइन्थ वाले हैं आठवीं का एग्जाम ही 15 मार्च को खत्म हो रहा है, उसका रिजल्ट आएगा मान लीजिए अप्रैल में, 23 मार्च को, 25 मार्च को। तो दो काम करें, एक स्कूल से आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लें। क्या करेंगे? प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लें। पास सर्टिफिकेट जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तभी दें, कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। तो मेरी सैनिक स्कूल के जो प्रिंसिपल सर से बात हुई, उन्होंने कहा प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस स्कूल से ले लें कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है और पास होने के चांसेस हैं। प्रोविजनल माने कच्चा, टेम्परेरी एक सर्टिफिकेट बना देंगे दैट दिस चाइल्ड इज स्टडिंग इन क्लास 8 एंड ही हैज स्कोर्ड दीज मेनी मार्क्स एंड ही हैज अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। और उसमें लिख देंगे कि एग्जाम का रिजल्ट मान लीजिए 1 अप्रैल को आएगा, 10 अप्रैल को आएगा, वो एक डेट लिखवा लेंगे, ये सर्टिफिकेट मान्य होगा। जब तक ये आप जमा नहीं करते उसका टेम्परेरी रहेगा एडमिशन, लेकिन आपको सैनिक स्कूल मना नहीं करेगा। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने SOP में लिखा है कि मान लीजिए आपके बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है, एक निकला 12/11/2011 की जगह 12/12/2011 लिखा गया है, और इससे कोई मटेरियली फर्क नहीं पड़ता, बच्चा एज ब्रैकेट में अंदर है। मान लीजिए मार्च अप्रैल का हो जाता, बच्चा ओवरेज हो रहा है, तब तो आपका थोड़ा सा लोचा हो जाता। लेकिन अगर ऐसी माइनर एरर है तो आपने एफिडेविट एक लेके जाना है, एफिडेविट कोर्ट में जाए, नोटरी के पास जाए, उनको दिखाएं कि जी ये हमारे हैं, ये एफिडेविट बनाना है कि मैंने इसके डॉक्यूमेंट चेक करे हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ है, गलती से इन्होंने फॉर्म में लिख दिया है लेकिन इनका सही डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आपको ये चलेगा। आधार में ये लिखा है, डेट ऑफ बर्थ स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा है, लेकिन आपने फॉर्म भरते समय गड़बड़ कर दिया है, तो एफिडेविट कर दें। आप कोई लिखते हैं रवि कुमार, तो इसने रवि कुमार में रवि लिखा है और वहाँ पर फॉर्म भरते समय या किसी डॉक्यूमेंट में रवि लिखा हुआ है, तो ऐसे अगर गलतियाँ हैं, या माता जी का नाम फूलमती देवी था, आपने फूलबती देवी लिख दिया है, कुछ भी ऐसे गलती हो गया, तो इन सब के लिए क्या लगेगा? एफिडेविट लगेगा। ये एफिडेविट ले जाना ना भूलें, क्योंकि सैनिक स्कूल जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर शायद आपको सुविधा ना मिले या ढूंढने के लिए बहुत भागना पड़ेगा। तो अगर आपके बच्चे के मेरिट में बहुत हाई है, आपको लगता है कि मेरे बच्चे का फर्स्ट राउंड में कॉल आ जाएगा, तो ये तीन कार्रवाइयाँ हैं जो आप कर लें। अगर आपका बच्चा नाइन्थ में है, उसके अभी 8th के एग्जाम चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा, प्रिंसिपल साहब से मिले, क्लास टीचर से मिले, वो सर्टिफिकेट बनवा लें, और ये बाकी डॉक्यूमेंटेशन की जो गलतियां हैं ये आप एफिडेविट बना के आप इसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।